नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। ये वीडियो बन रहा है नंबर 6 के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या फिर 24 है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल, मई और जून मंथ 2020 का कैसे जाने वाला है। सो आपके करियर कैसे जाएगा, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ और आपका आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे रहेगा। सो आपके करियर के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि प्रमोशन होने वाला है और जो पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। पिता से भी आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है, बॉस भी आपको कुछ हेल्प करने वाले हैं, कोई घर के बड़े बुजुर्ग आपको हेल्प करने वाले हैं। रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आप आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव पीसफुल लाइफ आपके रिलेशनशिप के लिए दिखाता है नंबर 6 के लिए। आपके हेल्थ के लिए दिखाता है कि पहले आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी पर अभी आपने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं आपकी हेल्थ को पॉजिटिव करने के लिए, अब आपकी हेल्थ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई है। आप अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हैं कि आप आपकी हेल्थ को पॉजिटिव रख सकते हैं। और आपके आध्यात्मिक के लिए कार्ड आया है कि जल्द ही आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए और जिससे आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और जो भी आपका इंटेंशन आपको कहता है वो कोर्सेस आपको लर्न करने हैं। आपको योगा, मेडिटेशन, जितना कुछ आप घर बैठे ऑनलाइन सीखते हैं उसमें आपका यहाँ पे दिखाता है कि फेस चेंज होगा। नंबर 8 मीन्स यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड आया है नंबर 6 वालों के लिए, तो मीनिंग आपका लाइफ का फेस चेंज हो जाएगा अगर आप आध्यात्मिक में नए चीज़ें सीखते हैं। तो जहाँ भी आपने मन बना के रखा है कुछ कोर्सेज लर्न करने का वो कोर्सेज ज़रूर लर्न करें, उससे आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, अपग्रेड होने के चांसेस हैं। अभी नंबर 6 वालों के लिए रेमेडीज़ हैं। आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी है, दुर्गा माँ का दुर्गा चालीसा पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना है। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे आपको माता को वर्शिप करना है। आपने जितने भी लेडीज़ को हर्ट किया है, दो आप खुद फीमेल हैं, आपने अपनी मम्मी को, अपनी मौसी, अपनी बुआ, किसी को हर्ट किया है, आप उन सब से कॉल करके माफ़ी मांगेंगे। इससे आपका नंबर 6 पॉजिटिव हो जाता है। आपने आपके टीचर्स का, आपके जितने भी आपसे बड़े उम्र में लेडीज़ हैं उनसे आप माफ़ी मांगेंगे और उनके लिए आप कुछ ना कुछ एक उनका काम करेंगे जिससे आप आपको उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जैसे जैसे घर के आजू बाजू में बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं उनके उन्हें कुछ चाहिए तो आप उनके लिए कुछ मेडिसिन्स ला के देंगे, कुछ ग्रॉसरी ला के देंगे। इससे आपका नंबर 6 जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और आपको हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है और कभी भी आपके कपड़े जो हैं वो बिना आयरन करके नहीं पहनने हैं। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स आपको यूज़ करना है और जितना आप अपने स्किन का, अपने बॉडी का केयर करेंगे उतना आपका नंबर 6 जो है पॉजिटिव रहता है। आपको घर को वेल डेकोरेटेड रखना है और बिल्कुल भी घर में धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब हम घर पे खुद अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं तो उससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट भी निकल जाता है। लाइफ में जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, डिलेज हैं, वो कम हो जाते हैं। और नंबर 6 के जो लोग हैं वो छोटी बच्चियों से भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। एट प्रेजेंट जैसे लॉकडाउन का फेस चल रहा है तो आप ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चियों के क्लासेस सॉल्व कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, कोर्सेस उन्हें सिखा सकते हैं और उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।